इंफोसिस के 1130 शेयर 1660 रुपए के भाव पर। आईटी स्टॉक्स काफी ज्यादा वोलेटाइल हैं और स्नेहा इंफोसिस हम देखने का शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद ये शेयर ऊपरी स्तरों से फिसल गया और लगातार 3-4 सत्र से हम देख रहे हैं कि ये शेयर थोड़ा सा फीका ही पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से एक्सेंचर के नतीजों के बाद जो भविष्य के लिए जो उनकी कमेंट्री आई थी वो थोड़ी सी निराशाजनक थी और पूरे बाजार को उससे थोड़ी सी निराशा हासिल हुई थी। इंफोसिस आपको क्या लगता है कि 1500 रुपए के आसपास एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा या फिर थोड़ी सी और इसमें फिसलन हो सकती है? अगर आप काउंटर देखें तो रिसेंटली काफी अच्छी अपमूव दिखी है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला हाई लेवल से, बट आई थिंक अगर उनका टाइम ड्यूरेशन इज डिसेंट मतलब मीडियम टू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है आई थिंक, तो उन्हें होल्ड ही करना चाहिए 1500 के आसपास। अगर सपोर्ट की बात करें येस, अगर आप देखें तो 1480-1500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो आई वुड से करके कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना बुरा नहीं है, तो आई वुड से करके कि इसे होल्ड करें। एक स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो आई वुड से करके कि 1420 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अपसाइड में जब भी काउंटर फिर से 1640 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम फिर से आ सकता है।